आज की इस वीडियो में हम फीचर कंपैरिजन करने वाले हैं दो ऐसी स्मार्ट वॉचेस के बीच जो कि अपने आप में दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलरिटी रखती हैं। एक है हमारी ORE और दूसरी है हमारी फायरवोल्ट की विजनरी अल्ट्रा। इन दोनों के फीचर्स में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, कौन सी वॉच आपको बाय कर लेनी चाहिए, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में इसके फीचर प्राइस सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के शेप एंड डिजाइन के बारे में बात करूं तो ये दोनों स्मार्ट वॉचेस रेक्टेंगल शेप के साथ आ जाती हैं। साथ में आपको मेटलिक बिल्ड में ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस मिल जाएंगी। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको स्टेनलेस स्टील का स्ट्रैप देखने को मिलने वाला है। दोनों की साइड में आपको एक क्राउन बटन दे रखा है, बट विजनरी अल्ट्रा में आपको एक नीचे की तरफ पुशेबल बटन भी देखने को मिल जाता है। और हाँ, साथ में आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में मल्टीपल कलर ऑप्शन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं स्ट्रैप ऑप्शन के बारे में बात करूं तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप ऑप्शन के साथ सिलिकन एंड लेदर स्ट्रैप ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बट विजनरी अल्ट्रा में आपको मैग्नेटिक स्ट्रैप ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं बात कर लूं ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन की तो मेरा पर्सनल फेवरेट विजनरी अल्ट्रा है, क्योंकि यार इसकी जो स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा फैशनेबल लगा, जो कि नॉइस की ORE में थोड़ा सा ओल्ड फैशन दे रखा है। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर मैं बात कर लूं डिस्प्ले की तो नॉइस में आपको 2.1 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले दे रखी है, जो कि भाई एक लार्जेस्ट डिस्प्ले है। वहीं विजनरी अल्ट्रा में 1.78 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले दे रखी है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की डिस्प्ले में आपको 368x448 का पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई विजनरी अल्ट्रा के हिसाब से तो सही है, बट बाकी हम अगर नॉइस के हिसाब से देखें तो उसकी डिस्प्ले काफी बड़ी है बट पिक्सल रेजोल्यूशन थोड़े से कम है, तो आपको वो फर्क देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के अंदर। बाकी नॉइस में आपको 600 यूनिट्स की ब्राइटनेस भी साथ में देखने को मिलेगी, और हाँ अल्ट्रा थिन बेजल के साथ ये स्मार्ट वॉच आ जाती है तो वो फीलिंग आपके लिए काफी ज्यादा बेटर होने वाली है नॉइस। अब अगर वॉचेस के बारे में बात करूं तो दोनों में आपको मल्टीपल वॉचेस का सपोर्ट मिल जाएगा, मन मुताबिक आप कोई भी लगा पाओगे। और चूंकि दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको AMOLED डिस्प्ले मिल रही है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाएगा। अब अगर मैं ब्लूटूथ कॉलिंग के बारे में बात करूं तो नॉइस में आपको एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि ट्रू सिंक के नाम से आती है, तो आपकी कॉलिंग क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर होने वाली है नॉइस में। वहीं मैं बात कर लूं फायरवोल्ट की तो इसमें आपको नॉर्मल ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, बाकी आपकी कॉलिंग इसमें भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। अब अगर मैं स्पोर्ट मोड के बारे में बात करूं तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको बार बार के स्पोर्ट मोड मिल जाएंगे, जिनमें आपकी जो एक्टिविटी है वो सारी कवर होने वाली है। सारे हेल्थ रिलेटेड सेंसर आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में मिलने वाले हैं, जिनको ट्रैक करने के लिए भाई आपको इन दोनों में ही ऐप सपोर्ट मिल जाएगा। अब अगर मैं यूटिलिटी फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको सारे यूटिलिटी फीचर का सपोर्ट बार बार कर मिलने वाला। अब अगर मैं बात कर लूं IP रेटिंग की तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको IP68 का फोटो प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब मैं बात करूं बैटरी लाइफ की तो दोनों में आपको बैटरी लाइफ सेम से मिलने वाला है, दोनों में आपको 7 डेज का बैटरी लाइफ मिलेगा, जो कि कॉलिंग में 1-2 दिन का रह जाता है। अब अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की तो ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस अपनी अपनी जगह काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। बाकी अगर मैं बात कर लूं नॉइस की तो आपको इसमें एक बेटर डिस्प्ले मिल रही है, एक बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, और वही एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग मिल रही है, तो आपकी जो कॉलिंग है काफी ज्यादा बेटर होने वाली है और डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपका काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है नॉइस में। बाकी अगर मैं विजनरी अल्ट्रा के बारे में बात करूं तो ये भाई लुक्स वाइज डिजाइन वाइज काफी ज्यादा बेटर वॉच है, और भाई प्राइस भी इसकी 25,000 रुपए, नॉइस की आपको 3,000 रुपए मिलेगी अभी। तो भाई डिपेंड करता है आपको किस साइड जाना है, आपको एक अच्छा लुक्स एंड डिजाइन और काफी बेटर डिस्प्ले के साथ जाना है या फिर आपको काफी अच्छे फीचर्स के साथ जाना है। बाकी अगर मैं चूज करता तो मैं इन दोनों में से शायद विजनरी अल्ट्रा चूज करता। बाकी आपकी चॉइस आपके हाथ में है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे किसी और कंपेरिजन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।